अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। शहर में अचानक तेजी से बढ़ने वाली गर्मी के वजह से इमारतों में लगी आग। इस गर्मी ने बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा। गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि रोड पर चलने वाली गाड़ियां भी अपने आप आग पकड़ रही है। कई जगह पर गैस के कंटेनर भी ब्लास्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि पार्किंग में खड़ी खड़ी गाड़ियां भी, उसी के साथ कई सारे पेट्रोल पंप पर भी ब्लास्ट देखने मिले। इस बढ़ती भयानक गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब हो रही है। कई लोग बीमार पड़ चुके हैं तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसी गर्मी लोगों ने पहली बार देखी है। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इससे नहीं बच पाई। कई लोगों का कहना है कि सूरज हमारे नजदीक आ गया है, तो कई लोगों का कहना है कि ये दुनिया का विनाश है। पर क्या है सच? हमारे साइंटिस्ट इसका। अबे यार, ये कौन आवाज कर रहा है? ओ भाई साहब, अबे धरती हिल रही है क्या? ओ भाई, अबे यार, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। काम करता हूँ, शिनचैन से पूछता हूँ। शिनचैन चौप, जल्दी से उठो। ओ, उठ गए क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया, आपको पता है मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। ऐसा लगा हमारे घर के आसपास कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं। तुझे भी ऐसा सपना आया? इसका तो एक ही मतलब है कि ये सपना नहीं है, क्योंकि ये धमाके की आवाज मुझे भी सुनाई दी। अरे फ्रैंकलिन भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पर आतंकवादी घुस आए हो और वो ये ब्लास्ट कर रहे हैं? टॉप यार, पागलों जैसी बात मत कर। अगर हमारे घर पे आतंकवादियों ने ये किया होता ना, तो हम में से अभी तक कोई बचा नहीं होता। अरे तो अभी हम लोग क्या करेंगे? कहीं यहाँ पर ब्लास्ट हो गया तो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, चौप एकदम सही बोल रहा है। आप एक काम करो, टोनी भैया को फोन करो, उन्हें पक्का पता होगा। हाँ शिनचैन, ये चीज तूने एकदम ठीक बोली। जल्दी से कॉल करता हूँ। उठा ले भाई प्लीज। अब बोलो फ्रैंकलिन। टोनी यार, मुझे अभी 2-4 बार ना खतरनाक धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके वजह से हमारा पूरा घर वाइब्रेट हो गया था। तुझे पता ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है, पर शहर के बहुत सारे इलाकों में भारी गर्मी बढ़ गई है, जिसके वजह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सब अपने आप हो रहा है। इसके पीछे पक्का कोई लावा मॉन्स्टर होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर आइस टाइटन जरूर कर सकता है। मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उसके घर का लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। अच्छा ठीक है। शिनचैन चौप, मेरी बात सुनो, हमें अभी का अभी निकलना होगा, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। गाइस यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैं सोकर उठा था और ये सब सुनने मिल रहा है। टोनी को भी अच्छे से नहीं पता है, वो बस अंदाजा लगा रहा है। जो भी हो, हमें तो जाके आइस टाइटन को ढूंढना है। शिनचैन चौप यार, जल्दी से आ जाओ, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे आ गई है ना चौप, तुझे अलग से लिख के दूं क्या? अरे बस आ गया। अब जल्दी जल्दी गाड़ी को भगाते हैं। मुझे तो ये डर है कि हमारी चलती हुई गाड़ी में आग ना लग जाए। वैसे हम लोग जा कब पर रहे हैं? हम लोग आइस टाइटन के घर पर जा रहे हैं, अब वही हमारी मदद कर सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, टोनी भैया तो बोल रहे थे कि यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ गई है, पर मुझे तो इतनी महसूस ही नहीं हो रही। शिनचैन, सब जगह नहीं बढ़ी है, शहर के कुछ कुछ इलाकों में बड़ी है। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी हमारे घर के आसपास भी गर्मी बढ़ जाएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जल्दी से गाड़ी भगाओ। चौप चिंता मत कर, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। लोकेशन तो यही की थी, यहाँ आसपास ही उसका घर होना चाहिए, मुझे लगता है कि यही होगा। जल्दी से गाड़ी रुकाते गाइस। शिनचैन उधर फटाफट, जल्दी जाके उससे बात कर लेते हैं तो टेंशन थोड़ा कम हो। अबे यार, ये तो लॉक है। तेरी की खुल। अबे जाम हो गया क्या? अबे नहीं यार, ये तो अंदर से बंद है। शिनचैन, मुझे लगता है कि आइस टाइटन यहाँ पर है ही नहीं, वो कहीं बाहर गया होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अगर वो बाहर गया होता ना, तो गेट बाहर से बंद होता, पर गेट तो अंदर से बंद है। मैं तो बोलता हूँ जोर से आवाज लगा के देखो। वैसे तू बोल तो सही रहा है, ये भी ट्राई करके देख लेते गाइस। आइस टाइटन भाई कहाँ पर है? जल्दी से आ। मुझे नहीं लगता कोई फायदा हो रहा है, वो अंदर नहीं हो सकता, वरना अभी तक खोल देता। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो गया हो? मुझे तो डर लग रहा है। अबे यार शिनचैन, ऐसा डरा मत, अंदर जाने का और कोई रास्ता तो होगा, यहाँ पर भी नहीं है। मुझे लगता है ये दीवार चढ़ के ही जाना होगा। चलो गाइस, ट्राई करके देख लेते जल्दी से। हो चलो, चढ़ गए। शिनचैन तू भी यही से आ जा, तब तक मैं अंदर जाके देख लेता हूँ, बस ये दरवाजा लॉक ना हो। हो चलो, खुला है। अंदर तो पहुँच गए, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आइस टाइटन, आइस टाइटन कहाँ पर है भाई? उस साइड जाकर देखता हूँ, कहाँ जा सकता है यार, ये घर तो पूरा खाली है। इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है। एक मिनट, वहाँ पर कोई तो है। भाई साहब जरा यहाँ देखो, हम लोग घर के अंदर ढूंढ रहे और वो वहाँ मस्त पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। चलो कम से कम मिल तो गया, आप जल्दी से बाहर जाते हैं। ओ भाई साहब, तुम लोग अंदर कैसे पहुंचे? और चौप तू कैसे चढ़ा? अरे शिनचैन अंदर कूद के आया और उसने अंदर से गेट खोल दिया, उसके बाद मैं अंदर आ गया। अरे ये सब छोड़ो, पर ये बताओ आइस टाइटन मिला या नहीं? मिल तो गया, पर वो घर के अंदर नहीं है। तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, वो यहीं पर लेटा हुआ है। हाँ तो इस साइड ही, ये रहा। भाई साहब जरा इसको देखो तो सही गाइस। भाई उठ जा अभी के अभी। इसको सुनाई दे भी रहा या नहीं? ये कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में। अरे तभी मैं सोचूं कि ये हमारी आवाज सुन क्यों नहीं रहा है। अरे ये छोड़ो और ये सोचो कि इसे उठाएंगे कैसे। अरे मेरे पास
एक जबरदस्त आइडिया है। कैसा आइडिया? ये इतनी तेज आवाज से नहीं उठ रहा है तो तू उसको कैसे उठाएगा? अरे आप अभी शिनचैन को जानते नहीं हो, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये तोड़ी मैंने यहाँ से एक पत्ती, आप लोग देखोगे शिनचैन का मैजिक। अब शुरू करता हूँ। टिकल 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 टिकल। कौन है ये गुस्ताख? किसने किया ये? शिनचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग अंदर कैसे घुसे? अरे यार फिलहाल ये जरूरी नहीं है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसके लिए मैं तेरे पास आया हूँ। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल शहर में अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, इसके वजह से बहुत सारी जगह पर ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये किसका काम है और वो भी बहुत अच्छे से। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तुझे ये बात पहले से ही पता है तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, मैं बताना चाहता भी नहीं था। देख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्लियर कट स्टार्टिंग से बता। दरअसल ये बात उस टाइम की है जब मैंने लावा टाइटन को हरा के उसे उसके ही डायमेंशन में फेंक दिया था, पर वो इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में गुस्सा और बदले की भावना पनप रही थी, वो बस धरती पर वापस आकर इसे खत्म करना चाहता था और उसके साथ मुझे भी, इसलिए उसने वहाँ पर अपनी ताकतें बढ़ाई और वो धीरे धीरे ताकतवर होता ही गया, जिसकी मदद से वो धरती पर आने में कामयाब हुआ। पर इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर था, और एक और बात, इस बार वो अकेला भी नहीं था, वो अपने साथ अपने साथियों को लेकर आया था जो कि उसी के डायमेंशन के थे, और वो सब भी उतने ही खतरनाक थे। वो इस पूरी पृथ्वी को जलाकर लावा में कन्वर्ट करना चाहता था ताकि वो यहाँ पर राज कर सके। उन लोगों ने यहाँ पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया, उन लोगों ने शहर में आग लगाना शुरू कर दिया, लोगों को जलाकर मारा, गाड़ियों को जलाया, वो सारे के सारे शहर के अलग अलग कोनों में फैल गए। जहाँ जहाँ पर वो होते वहाँ पर गर्मी अपने आप ही बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी जगहों पर अपने आप आग लग जाती। उन लोगों के टारगेट में हर कोई था, उन्होंने बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में ब्लास्ट करवाए, तभी पूरे शहर में इतनी गर्मी बढ़ रही है। एक मिनट, तुझे ये सब पता था फिर भी तूने कुछ नहीं किया, क्यों भाई? अरे क्योंकि ये तो यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा था ना। नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे इस चीज का पता चला मैंने लावा टाइटन की लोकेशन का पता किया, पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा मुझे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस दौरान लावा टाइटन अपनी ताकतें बढ़ा रहा था, उसने खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत बड़ा बना दिया था। मैं वहाँ पहुँच तो गया था पर मुझे एक चीज पता चल गई थी कि अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, पर उसे भी एक चीज पता थी कि अब मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसने जैसे मुझे देखा मुझ पर हमला कर दिया, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, मेरा पैर फिसला और मैं वहाँ नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। लावा टाइटन को लग रहा है कि उसने मुझे मार दिया है, पर उसे ये बात नहीं पता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उसे पता चले। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये तो कायरता हो गई, वहाँ लोग मर रहे हैं और तू यहाँ पर छुप के बैठा है, तुझे लगता है ये सही है? देखो मेरी जान मान न मान बची है, मैं इसे फिर से रिस्क में नहीं डालूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ, अपना सूट दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, काम कर, यही कर दे, तू नहीं करेगा तो मैं तो करूँ कम से कम। क्या फालतू मुसीबत है, वही खड़े रहो। पता नहीं गाइस कौन सा सूट देगा। अबे ये क्या मजाक है, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े बर्फ के टुकड़े को बहुत गंदी तरीके से तोड़ दिया हो तब जाके ये सूट बना है। इसकी मदद से मैं लावा टाइटन को हराऊंगा। देखो मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता था, पर अगर तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। अच्छा ठीक है छोड़, मैं खुद ही कर लूंगा। शिनचैन चौप यही पर रहना। गाइस हमें शहर में जाना होगा क्योंकि खुद को अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। चलो अब कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं जिससे पैसे मिले। एक मिनट, अबे यहाँ पर क्या हो रहा है? पक्का कुछ तो गड़बड़ है, जरा अंदर देखो तो सही। मुझे लगता है मुझे अंदर जाके चेक करना चाहिए, शायद इनको मेरे मदद की जरूरत है। पर पहले पता तो चले कि हुआ क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गर्म जूस देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे वेटर को पता नहीं था, उसने गलती से दे दिया, हम आपके पैसे लौटा देंगे। मुझे पैसे नहीं, मेरा ठंडा जूस चाहिए और वो भी अभी का भी। यहाँ कुछ तो पंगा हुआ है गाइस, मुझे लगता है उस सामने वाले आदमी ने ना इस वेटर को मार मार के बेहोश कर दिया है, मामले का पता लगाना होगा। भाई साहब जरा मेरी बात सुनेंगे? एक मिनट कौन? हाँ सर बोलिए क्या हुआ? अरे मुझे क्या हुआ ये छोड़, यहाँ पर क्या हो रहा है ये बता, और ये वेटर बेहोश क्यों पड़ा है? दरअसल कुछ दिनों से शहर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी फल सब्जियाँ पानी और जूस एकदम गर्म हो चुके हैं और खराब हो रहे हैं। बस इतनी सी बात है तो उन्हें फ्रिज में रखो ना। ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि हमारे फ्रिज भी काम नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जूस भी ठंडा नहीं हुआ और हमने गलती से इन्हें गर्म जूस दे दिया, इसलिए ये इतने भड़क गए। ओके तो अभी मैं समझा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताइए कि फूड स्टोरेज कहाँ पर है? वो आपको नीचे रसोई रूम के साइड मिल जाएगा। ठीक है आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी इनका जूस ठंडा करके लाता हूँ। जल्दी जल्दी जाते हैं गाइस नीचे, हम लोग पूरे बर्फ के बने हुए तो शायद यहाँ पर हम कुछ काम आ जाए। जल्दी से वो रूम
रूम ढूंढते हैं, उसने बोला था इसी साइड होना चाहिए, शायद यही वो रूम है, जल्दी से अंदर जाते हैं। ओके गाइस, तो हमने ढूंढ लिया है, यहाँ पर ही वो सारा सामान है। फ्रिज कहाँ पर है पहले चेक करना होगा, ये रहा, चालू तो है। ओ भाई साहब, गाइस यार ये तो सच्ची में बहुत गर्म है, बेचारा वो मैनेजर एकदम सही बोल रहा था। चलो अभी टाइम आ चुका है पावर का इस्तेमाल करने का, और ये हो जा हो जा हो जा। गाइस यार यहाँ पर बर्फ जम रही है, हमारी पावर काम आ रही है यार। चलो इससे सारी चीजें बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, या फ्रिज भी जमा देता हूँ, मुझे लगता है अपना काम हो चुका है। जरा जाकर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी बर्फ कम पड़ गई है, थोड़ी और जमा देते हैं। चलो यहाँ तो हो गई और यहाँ पर भी हो गई। अब ये सारी चीजें जल्दी से गर्म नहीं होंगी, फटाफट से एक ठंडी जूस की बोतल उठाते हैं और जाकर उसको दे देते हैं। अबे यार चढ़ने में हालत खराब हो गई। सर खुश हो जाइए, ये रही आपके जूस की ठंडी बोतल। एक मिनट, अबे इसने तो दूसरे वेटर को भी मार दिया, मुझे ये सब रोकना होगा। देखो तुम वही के वही रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या, ये फिर से आ गया, बार बार मेरे बीच में आ रहा है, ये ले, अगली बार ये किसी के सामने हीरो नहीं बनेगा। गाइस यार इसने तो गोली चला दी, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कहाँ पर भागता है, रोक। अबे ये अंदर साइड क्यों जा रहा है, पागल हो गया है क्या, अब तो ये पक्का फंसेगा। या फिर गाइस हम लोग फंस गए, यहाँ पर तो इसकी पूरी पलटन खड़ी है। क्या हुआ, छक्के छूट गए, अब बता क्या करेगा, तू यहाँ से बचकर जाने वाला नहीं है। देख मैं यहाँ से बच के जाऊँ या ना जाऊँ, पर मैं जो करने आया हूँ ना वो मैं करके जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है, तुझे लगता है तू मुझे हाथ भी लगा पाएगा, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है छोटे। पहली बात तो मैं तेरे से हाइट में बड़ा हूँ, और मैं तेरे इन चिल्लरों से डरता नहीं हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पंटर लोग इसे मजा चखाओ। ओह छोड़ दी अपनी सस्ती गैंग, खुद के पास बंदूक है, इन सबको भी दे देता। तेरी तो, ये ले मेरे पास आ रहा है, अभी ये लोग मुझे जानते नहीं है, तू तो आखिर में बर्फ का ना लग तो कड़क रही होगी। ये ले ठंडी लात, ये देखो पीछे से मार रहा है। भैया हमको कुछ नहीं होने वाला, भागते कहाँ पर हो, रुको तुम्हारी तो मैं ये खा। अब इन अंकल की बारी, उम्र हो गई है अभी भी ये सब करते हो। भाई साहब अबे तेरी गोली से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं दूर खड़े रह के नहीं, जरा पास आओ और ये खाओ। अब इनका गैंग लीडर कहाँ पर गया, यही कहीं होना चाहिए। ये रहा गाइस, अब इसको नहीं छोड़ूंगा, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा था, उठ जरा। तेरी तो, ये ले। हाँ नहीं तो गाइस इसकी तो पुंगी बज गई। एक मिनट, ये आवाज सायरन बज रहा है क्या कहीं पर। हे तुम अपने हाथ ऊपर करो। ये कौन बोला बे। ओ भाई साहब पुलिस। सर मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, इन्हें मैंने ही बुलाया है। सर वो जो आदमी बेहोश पड़ा है वो मुझे कब से परेशान कर रहा था, इन्होंने तो उल्टा मेरी जान बचाई है। अच्छा तो तुम हो वो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस इसके पीछे कब से पड़ी हुई थी। सर कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर यहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर $10,000 का इनाम लगाया था, तो ये इनाम तुम्हारा हुआ। क्या $10,000। भाई साहब गाइस अपना काम बन गया, जल्दी से जाते हैं कोई कोना ढूंढते हैं, ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ कोपचे में घुसता हूँ, अब जल्दी से देखता है यार। ये खोला मैंने मार्केट, और ये रहा $10,000 वाला सूट, और ये बाय। चलो कम से कम अभी ढंग के तो लग रहे, पिछले वाला सूट तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाड़ था। चलो अब जल्दी जल्दी जाते यहाँ से, कोई और रास्ता ढूंढना होगा पैसे कमाने का, पर मैं करूंगा क्या यार। एक मिनट, अबे यार यहाँ पर इतनी भीड़ जमा क्यों है, पक्का कुछ तो हो रहा है, जाकर चेक करते हैं। गाइस आप लोग देख रहे हो क्या ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तुम्हारी ऑनलाइन बुकिंग बता रही है, ये लो तुम्हारी टिकट, अब तुम ऊपर जा सकती हो। अच्छा ठीक है। इन लोगों ने टिकट लेके रखी है फिर भी इतनी लाइन, ऐसा भी क्या हो रहा है ऊपर, जाकर पूछते हैं। गाइस भाई साहब जरा बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो अगर तुम्हें भी अंदर जाना है तो ऑनलाइन टिकट बुक करवाओ और जाकर पीछे खड़े हो जाओ, तुम ऐसे बीच में नहीं घुस सकते। अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यही पूछने के लिए तो मैं आया था, बस इतना बता दीजिए मैं चला जाऊंगा। देखो ऊपर एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग मैच हो रहा है, और जो भी उसे जीतेगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। क्या मैंने सही सुना, $1,00,000 का इनाम, मुझे भी ये फाइट करनी है, प्लीज आप मेरा भी नाम लिख दीजिए ना। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर कर रहा हूँ, फाइट वालों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ साइड में एक जेट पैक रखा है, तुम वो लेके जा सकते हो, पर ऊपर जाने के बाद तुम्हें इंतजार करना होगा क्योंकि पहले से ही मैच चालू है, उनमें से जो भी जीतेगा तुम्हें उसके साथ फाइट करनी होगी। अच्छा ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा, जल्दी से जाते गाइस। ये रहा हमारा जेट पैक, अब जल्दी से बैठ के इसको चालू करते है, वैसे इसमें बैठ नहीं सकते, खड़ा ही होना पड़ता है। चलो चालू तो हो चुका है, उड़ जा मेरे भाई। इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग सीधे सीधे उड़ेंगे, ज्यादा आड़ा टेढ़ा जाऊंगा ही नहीं। चलो जैसे तैसे करके पहुंच तो गए, यहाँ तो यार बहुत ज्यादा भीड़ जमा है। ओ गाइस जरा वहाँ तो देखो, उस आदमी ने एकदम सही कहा था, यहाँ तो पहले से मैच चालू है। एक मिनट ये तो एक लावा मॉन्स्टर है, कई आइस टाइटन जिन लावा मॉन्स्टर की बात कर रहा था ये उनमें से एक तो नहीं, भारी तो पड़ रहा है उस पर। ओ भाई यार क्या पंच मारा इसने। ये सामने वाला तो गया, अब इसका एक ही मतलब है कि हमारी बारी आ चुकी है, तो चलो जल्दी से उतरते मैदान में। पहले तो
अंदर घुसू। ओ भाई यार रुक जा। वैसे इसको लैंड कैसे करवाते? शायद इस बटन से होगा। अबे मेरा बेल्ट ही खुल गया भाई गया। आउच भाई यार, लड़ने से पहले मेरी हड्डियां टूट जाती। अबे ढक्कन सुन। एक मिनट, ये किसकी आवाज थी? तुम कौन हो? तुझे उससे क्या मतलब? तू खाली फाइट पर ध्यान देना। लगता है तुमने अभी मेरा मैच नहीं देखा। मेरे पीछे ये आदमी देख रहे हो, शायद तुम्हें भी खुद की ऐसी ही हालत करवानी है। देख पहली बात तो मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तो मुझे डराना बंद कर दे। तू बस इतना सोच ले कि मैं तेरी तलाश में था। तुझे मारे बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ओ ऐसी बात है, फिर तो काफी मजा आएगा। आ जाओ। हाँ तो आना, डरता थोड़ी हूँ। ये लो, मारा तो काफी कसके गाइस, पर मैं भी कम नहीं हूँ। क्या हुआ, टांग गई? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे पड़ेगा। और ये खा। ओहो क्या डॉज किया है, पर अभी नहीं कर पाएगा। सीधा मुंह पे लगा। अब मेरा कमाल देख, ये ले और ये खा। अब तो तू गया। ओ गाइस यार, थोड़ा ज्यादा ही कस के मार दिया इसने। पहले तो इससे थोड़ा दूर हो। ओ भाई यार रुक तो सही, ये तो निकलने का मौका भी नहीं दे रहा है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। आजा 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 बताता हूँ, ये खा। तेरा तो मुंह ही तोड़ता हूँ, दोनों सिंगी उखाड़ दूंगा। वाह क्या बात है। ओ यार तू तो गया मेरे हाथ से। और ये ले। अब ये का गाइस यार, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर अब मेरा दिमाग खसक रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। चलो कम से कम गिराया तो सही, पर इससे दूर रहने में थोड़ी भलाई है। आजा आजा पकड़ के दिखा दे मैं तो। अबे यार ये कहां से बीच में आ गया। आजा भाई आजा, रुक मैं ही आता हूँ तेरी। तो ये ले, क्या कस के पड़ा है। और ये ले लात खा, इसे लगा था बस इसमें ही पावर है। आजा आजा आजा। और ये ले भाई साहब, ये पूरा हिल गया अंदर से। अब तो ये बचेगा नहीं। ओह खड़ा हो गया, लगता है फिर से भागना पड़ेगा। अबे हिम्मत है तो पकड़ के दिखा, हाथ तो लगा नहीं पा रहा है मुझे। भागता कहाँ पर है, रुक तू तो डरपोक निकला। अब तो तू गया बेटे। ये ले, मुझे डरपोक बोल रहा था। लगता है मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। इसका तो बैंड बच चुका है गाइस, और उसी के साथ हमारे अकाउंट में पूरे $1,00,000 आ चुके हैं। अब देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट मिलता है। ये खोला मार्केट और ये रहा सूट। बाय, काफी अलग किस्म का सूट है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। हमारी सवारी कहाँ गई, वो रही। जल्दी से बैठते हमारे जेट पैक में। अबे नहीं यार, पीछे छूट गया वो तो। जंप थोड़ी ज्यादा ही बड़ी लग गई। पैराशूट का है। चलो खुला तो सही, पर इसे लैंड कैसे करवाते हैं? आज का दिन बहुत ज्यादा भारी है। वैसे गाइस अब यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अरे यार अब किसका कॉल आ रहा है? टोनी, फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, एक लावा मॉन्स्टर ने बहुत सारे लोगों को कैदी बना दिया है, तुम्हें उन्हें जाकर बचाना होगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, यही वाली गाड़ी लेकर जाते हैं। मुझे माफ करना दीदी, पर आपको उतरना होगा। अब जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस यहाँ से, बस वो लावा मॉन्स्टर उन लोगों को कुछ करना दे। मुझे इसी चीज का डर है, बाकी तो हम लोग संभाल ही लेंगे। देखो लोकेशन के हिसाब से तो जगह यही होनी चाहिए। जल्दी से गाड़ी को रोकते हैं। अबे लग जा ब्रेक। ओ गाइस ये रही वो बिल्डिंग जहाँ पर उन लोगों को कैदी बना के रखा गया है। अब बिना किसी देरी के अंदर घुसते फटाफट, बस वो लोग सेफ हो यार। यहाँ पर भी सीढ़िया, एक तो वैसे इतना थका हुआ हूँ। यहाँ पर एक दरवाजा है। ओ भाई लगता है इसने आवाज नहीं सुनी, पर अब सुनेगा। ये ले। हाँ चलो, इसके पास एक गन भी है, ये अपने काम आएगी। वो लोग शायद इसके अंदर होंगे। ओ भाई साहब यहाँ पर तो गुंडे भी है। तेरी तो मैं टकले। ये ले। ओहो यहाँ पर और भी बहुत सारे। अबे दूर हट यार। अब ये खा, ये फिर से उठ गया, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना जल्दी से जल्दी। एक मिनट, यहाँ पर एक और लावा मॉन्स्टर है। तेरी तो, एक तो इतने गुंडे ना यहाँ पर, मैं क्या बोलूं। चलो मुझे लगता है इस साइड होंगे, फटाफट ढूंढते उन्हें। ओ भाई गाइस जरा देखो तो सही, इसने तो अपने बहुत सारे क्लोन बना के रखे और वो रहे सारे कैदी। अगर मैंने एक को भी मारने की कोशिश की ना तो सबको पता चल जाएगा। हम लोग स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। और ये, चलो गाइस काम हो गया, अब बजेगी इनकी बैंड। भाई साहब क्या धमाका हुआ है। अब मुझे लगता है ये सब लोग सेफ है, और गाइस इन सबको मारने के हमें मिले हैं पूरे $1,000,000। मजा आ गया यार। तो भाइयों और बहनों आप सब लोग सेफ हो, अब हम भी निकलते हैं। सामने जाके सूट चेंज कर लेता हूँ। ओ भाई चलो अब देखते हैं कि 1,000,000 में कौन सा सूट है। और बाय, पहले से काफी हट्टे कट्टे हो गए हम लोग। फिर से फोन यार, टोनी है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे लावा टाइटन की लोकेशन मिल चुकी है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, ये हुई ना बात। चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं। मुझे फिर से गाड़ी चुरानी होगी। अच्छा तो नहीं लगता है, पर क्या करूं, चल के तो जाऊंगा नहीं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। भगाते हैं पूरे फुल स्पीड में। फाइनली पहुंच गए गाइस। एक मिनट, ये तो लावा टाइटन नहीं है, पर है तो उसका साथी ना। आखिरकार तुम आ ही गए, तुमने मेरे बहुत साथियों को मारा है। उनको तो मारा ही है, अब तुम्हें भी मारूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जरा अपने
पीछे देखो। ये क्या बकवास कर रहा है तू, क्या है मेरे पीछे? ओ भाई साहब, अबे यार लावा टाइटन भी यहीं पर है, जरा देखो तो सही इसको। अब तो ये वही बात हो गई, आगे कुआ पीछे खाई, अब मैं क्या करूंगा? एक मिनट, आइस टाइटन मुझे पता था कि तुम आओगे, अब जान में जान आई। आता कैसे नहीं, ये लड़ाई मेरी है, तुम तो मेरा साथ दे रहे हो। ये क्या आइस टाइटन, तुम जिंदा हो? हाँ मैं तो जिंदा हूँ, पर अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। कोई बात नहीं, पिछली बार गलती हो गई जो तुम बच गए। फ्रैंकलिन तुम काम करो, तुम लावा टाइटन को संभालो, इसको मैं देखता हूँ। तुम तो गए। गाइस चलो, अच्छा हुआ कि आइस टाइटन आ गया, ये उसे संभाल रहा है, तब तक जाके मैं इसे संभालता हूँ। मैं आ रहा हूँ, पीछे से जाके मारता हूँ इसको। अबे नहीं, ये तो आइस टाइटन को मार रहा है। ओ भाई आउच आउच आउच, आइस टाइटन बच के ये तुम पर वार करने वाला है। ओ नहीं यार, इसने तो साथ में दोनों को ही लपेट लिया। भागो 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 भागो। अबे यार ये तो एकदम नजदीक पहुंच गया, छोड़ मुझे। ओ बॉय, पानी से बाहर निकलता हूँ फटाफट। आ गया ये इसकी तो मैं। अबे यार फिर से पकड़ लिया। आउच 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 आउच। भाई रुक जा, अब मेरा दिमाग सटक रहा है, एक बार तो इसको मार के रहूंगा। तू तो गया। ओ भाई साहब, एक बार मारने के 10 मिलियन डॉलर, मजा आ गया। ओ नहीं नहीं आया, नहीं आया। इससे दूर जाना होगा गाइस, हमें जो पैसे मिले ना सबसे पहले उसे अपग्रेड करते हैं। चलो ये जगह ठीक रहेगी, हमने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है, इससे पहले वो यहाँ पर पहुंचे। जल्दी से सूट को अपग्रेड करते हैं। ये खोला मार्केट, ये रहा 10 मिलियन डॉलर वाला सूट। और बाय, हम लोग तो बिल्कुल वैसे ही बन गए, बस हम आइस टाइटन है। ये देखो ये भी आ गया। ओ ओ ओ ओ, इसकी तो मैं ये ले। हाँ नहीं तो अब तो तू गया। अबे यार ये सच्ची में बहुत स्ट्रांग है। मेरा दिमाग सटक रहा है, यहाँ पर आ और ये ले। जल्दी से जाते हैं उसके पास, अब कैसे बचेगा? भाई साहब क्या गुप्पा मारा है। ओ फिर से ये अटैक मेरे पास भी है। अबे यार ये करने ही नहीं दे रहा। अब तो ये गया, अब पूरी फोर्स में मारते है। तेरी तो मैं ये खा। हू, इसकी तो लाइट ही ऑफ हो गई है। गाइज मुझे लगता है कि इसकी पुंगी बच चुकी है, फाइनली हमने इसे हरा ही दिया। अब मुझे जल्दी से चल के देखना होगा, आइस टाइटन की हालत खराब है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओह पाउच यार।